हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी एस्पेरागस या एस्पेरागस ग्रास प्लांट के बारे में, एक बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन सुई के आकार वाली पत्तियों वाले प्लांट के बारे में। इसकी पत्तियाँ घास की तरह से होती हैं लेकिन थोड़ी हार्ड होती हैं। गर्मियों में इसकी हरी पत्तियाँ गार्डन को एक रिफ्रेशिंग लुक देती हैं। ये पूरे साल भर इसी तरह हरा भरा बना रहता है। इतनी गर्मियों में भी आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ कितनी चटकीली हरे कलर की ही हैं अभी भी। बारिश के दिनों में जब इसकी पत्तियों पर पानी की बूंदें रुकती हैं तो वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं, बिल्कुल किसी मोती की तरह से। सर्दियों में इसकी रौनक थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक चलता रहता है। मेरा ये प्लांट 12 इंच के सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है करीब 3-4 सालों से। इसे रिपॉटिंग की ज़रूरत है। अब इस बारिश में इसकी रिपॉटिंग करूँगी क्योंकि इसके पॉट में इसके ट्यूबर पूरी तरह भर चुके हैं। ये एक हार्डी प्लांट है और जो बिगिनर्स हैं या अभी अभी गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लांट है क्योंकि ये ज़्यादा देखभाल नहीं मांगता। पानी की भी इसको कम ज़रूरत रहती है। अगर रोज़ पानी इसे ना भी दे तो भी ये चलता रहता है क्योंकि इसके ट्यूबर में पानी स्टोर किया हुआ रहता है। और इसके अलावा इसको अगर हम एक बार अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होता और इससे नए पौधे बनाना भी बहुत आसान है और छोटे प्लांटर में भी ये अच्छे से चलता रहता है और इसीलिए हैंगिंग प्लांटर में भी इसे हम लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर उन्हीं प्लांट्स को आपसे शेयर करती हूँ जो बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है। ऐसे प्लांट को अगर हम अपने गार्डन में एक बार लगा लेते हैं तो ये हमारे साथ बने रहते हैं काफ़ी सालों तक, जल्दी से ख़राब भी नहीं होते, इसलिए हमारा मन भी खुश रहता है इनको देखकर। ये प्लांट भी किसी भी कंडीशन में खुश रहता है और ऐसे ही हरा भरा रहता है। एस्पेरागस प्लांट में फूल भी खिलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बारीक से सफ़ेद फूल खिलते हैं इसमें, लेकिन इस प्लांट को इसकी पत्तियों की खूबसूरती के लिए ही लगाया जाता है। मैंने अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करने के लिए इनको बहुत सारे प्लांटर में लगा कर रखा है और ये लाइन में लगे हुए बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मैंने इनको सिंपल उसी मिट्टी में लगाया है जो मैं अपने हर प्लांट के लिए तैयार करती हूँ, वेल ड्रेन सॉयल यानी पोरस मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिक्स करके। इसे वेल ड्रेन सॉयल में लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इसकी मिट्टी में पानी रुकेगा तो इसके जो ट्यूबर्स हैं उनके गल जाने की संभावना रहती है और तब इसके पत्ते पीले पड़कर झरने लगते हैं। ये खुली धूप और पार्शल शेड दोनों में अच्छे से चल जाता है, लेकिन अगर इसको हम पूरी शेड वाली जगह में रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ लटकी लटकी सी लंबी सी हो जाती हैं। मेरे बगीचे में जितने भी एस्पेरागस के प्लांट हैं ये सारे खुली धूप में ही रखे हैं और इतनी गर्मी में भी ये अच्छे से ही चल रहे हैं, इनकी पत्तियाँ भी हरी भरी हैं। इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। मैं तो केवल जब इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ तब उसी मिट्टी में जो खाद मिलाती हूँ उसी से ये अच्छे से चलता रहता है। ये प्लांट बहुत जल्दी ही अपने पूरे गमले को कवर कर लेता है और थोड़े ही दिनों में गमला भी दिखाई नहीं देता, केवल इसके पत्तियों का एक गोला भर दिखाई देता है। इसके एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं इन ट्यूबर्स को अलग करके। जब भी इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है तो गमला ट्यूबर से इतना भर चुका होता है तो उसे जब अलग करते हैं उससे फिर नया प्लांट बन जाता है। इस बारिश मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी ही होगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भर चुका है इसका ट्यूबर, गमले के बाहर तक आ गया है। जब मैं इसके बारिश के दिनों में रिपोर्टिंग करूँगी तब कोशिश करूँगी आपसे शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी एस्पेरागस प्लांट के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।